व्हाट यू थिंक अबाउट शैडो बैन ऑन इंस्टाग्राम? आप मुझे ये चीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। पहले तो मैं आपका ओपिनियन भी यहाँ पे जान लूँ। कमेंट करके ज़रूर बताना कि शैडो बैन होता है अपना अकाउंट या फिर नहीं होता है इंस्टाग्राम के ऊपर या फिर ऑल ओवर सोशल मीडिया के ऊपर। लेकिन इस वीडियो में अपना ओपिनियन आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ कि अगर शैडो बैन, देखिए मुझे ये चीज़ नहीं लगती है कि शैडो बैन अकाउंट होता है, क्योंकि इंस्टाग्राम खुद इस चीज़ को नहीं मानता है कि अकाउंट हम शैडो बैन करते हैं या फिर फ्रीज जैसी कोई चीज़ होती है। लेकिन आप लोग देखते होंगे कि बड़े बड़े क्रिएटर्स या फिर और भी अदर जो ब्लॉग्स पढ़ने वाले होते हैं वो सब क्या देखते हैं कि अकाउंट शैडो बैन होता है या फिर अकाउंट फ्रीज होता है, और उन्हें अनफ्रीज करना या फिर उस शैडो बैन को रिमूव करने के ऊपर बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। तो इस वीडियो में मैं यही चीज़ आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ कि अगर आपको लगता है कि शैडो बैन होता है तो फिर उसके क्या क्या सॉल्यूशंस हैं जिनसे आप अपने अकाउंट को अनफ्रीज कर सकते हैं या फिर जिनसे आप अपने अकाउंट के ऊपर लगा शैडो बैन रिमूव कर सकते हैं। सो ही गाइस, मेरा नाम है सीताराम चौधरी एंड आप देख रहे हैं जयपुर नॉलेज यूट्यूब चैनल। सो आज विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सबसे पहले तो देखते हैं कि इंस्टाग्राम इस चीज़ को नहीं मानता है कि अकाउंट शैडो बैन होता है। तो यहाँ पे इंस्टाग्राम की तरफ से तो कोई भी सॉल्यूशन हमें नहीं मिलता है अपने अकाउंट के ऊपर शैडो बैन को रिमूव करने का। लेकिन फिर भी अगर हम लोग मानते हैं इस चीज़ को कि अकाउंट शैडो बैन होता है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको रीज़न क्लियर कर देता हूँ कि किन वजह से ये चीज़ हो सकती है। सबसे पहले देखिए कि आप अपने अकाउंट को अगर किसी थर्ड पार्टी ऐप, थर्ड पार्टी वेबसाइट या फिर फेक फॉलोअर्स परचेज करना, फेक लाइक्स लेना, फेक व्यूज़ लेना, इन सब की वजह से, मेनली इन सब की वजह से अपना अकाउंट शैडो बैन होता है। एंड गाइस, इसका रीज़न नंबर दो है आउटडेटेड अपडेट यूज़ करना। अगर आप ऐप यूज़ कर रहे हो और उसका जो अपडेट है वो आपने लेटेस्ट नहीं कर रखा है, बहुत ही ज़्यादा आउटडेटेड है, तो इस वजह से भी कहीं ना कहीं आपका अकाउंट ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता है। और बाकी इसके अलावा कोई रीज़न मुझे नहीं लगता है कि जिसकी वजह से अपना अकाउंट शैडो बैन होता है। तो चलिए अब बात करते हैं इसके सॉल्यूशंस की। तो यहाँ पे नंबर वन पे आता है कि अगर आपके अकाउंट के ऊपर शैडो बैन लगा हुआ है तो आपको क्या करना है। देखिए, इंस्टाग्राम की तरफ से कोई प्रॉपर गाइडलाइंस नहीं है, तो हम यहाँ पे खुद समझते हैं कि अपने अकाउंट का शैडो बैन कैसे रिमूव करें। तो सबसे पहला सोल्यूशन है कि अगर आप अपना ऐप को अपडेट नहीं रखते हैं तो आपको अपने ऐप को अप टू डेट रखना है, लेटेस्ट वर्जन के अंदर अप टू डेट रखना है, जिससे जितने भी ऐप के ऊपर बग्स होते हैं और हमें लगता है शैडो बैन है वो सारी चीजें रिमूव हो जाएगी। एंड गाइस, नंबर टू पे आता है कि आपका अकाउंट जिस भी कैटेगरी में है उसकी कैटेगरी आपको चेंज कर लेनी है कुछ टाइम के लिए। मान लीजिए आप प्रोफेशनल में यूज कर रहे हैं, उसे पर्सनल में स्विच कर लीजिए, या फिर आप पर्सनल में यूज कर रहे हैं इसे प्रोफेशनल में स्विच कर लीजिए। इससे क्या है, आपके बग्स क्लियर हो जाएंगे एंड हो सकता है आपके अकाउंट के ऊपर लगा शैडो बैन रिमूव हो जाए। नंबर तीन पर सोल्यूशन आता है डू नॉट यूज थर्ड पार्टी एप्स एंड थर्ड पार्टी वेबसाइट जिनसे अपना अकाउंट बहुत ज्यादा शैडो बैन होता है। देखिए, आपके अकाउंट को इंस्टाग्राम प्रोफेशनल ऐप जो हमारी है, जो मेन ऐप है, इसके अलावा कहीं भी लॉगिन नहीं करके रखना है, इवन ब्राउजर के ऊपर भी, क्योंकि ब्राउजर पे बहुत ज़्यादा कुकीज़ होती हैं, स्पैम लिंक्स होते हैं जिनकी वजह से, स्पैम एड्स होते हैं जिनकी वजह से अपना अकाउंट जो है शैडो बैन होने के चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं। तो आपको अपने अकाउंट को सिर्फ अपने इंस्टाग्राम मेन ऐप के ऊपर ही यूज़ करना है, क्योंकि वहाँ पे ऑल ओवर फीचर्स आपको मिल जाते हैं एंड बहुत ही ज़्यादा वाइटली, तो आपको किसी थर्ड पार्टी ऐप को यूज़ नहीं करना। सॉल्यूशन नंबर फोर है डू नॉट फॉलो अनफॉलो। आप अगर इंस्टाग्राम के ऊपर, देखिए ये सिस्टम बेसिकली बहुत पहले चलता था, एक साल पहले चलता था, अभी के टाइम में ये बंद हो चुका है, क्योंकि अभी के टाइम में सीधा एक्शन ब्लॉक आ जाता है आपके अकाउंट के ऊपर। तो इस वजह से अगर आप फिर भी फॉलो अनफॉलो कुछ क्वांटिटी में करते हो तो आप बिल्कुल ही बंद कर दीजिए, क्योंकि ये चीज़ इंस्टाग्राम बहुत ज़्यादा समझ चुका है एंड इस चीज़ को वो स्पैम मानता है, स्पैम की वजह से आपका अकाउंट ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाता है। एंड गाइस, सॉल्यूशन नंबर फाइव इज आपको अपने अकाउंट के ऊपर कुछ भी परचेज नहीं करना है, कहीं से रील्स के व्यूज़ ले लिए, कहीं से लाइक्स ले लिए, कहीं से फॉलोअर्स ले लिए, ये चीज़ बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। मान लीजिए आपके अकाउंट के ऊपर 1000 फॉलोअर्स हैं और उनमें से जानने वाले और रियल अकाउंट्स सिर्फ 100 ही हैं, तो आपके अकाउंट की प्रोफाइल तो वैसे ही 90% उसका इंगेजमेंट जो है वैसे ही लेस हो चुका है, बचा 10% में से भी सिर्फ 4-5% इंगेजमेंट मिलता है। मतलब 1000 फॉलोअर्स होने के बावजूद भी आपके अकाउंट पे सिर्फ 10 फॉलोअर्स मिलने वाले हैं। आप 10 फॉलोअर्स मिलने का मतलब है आपको खुद को ये फील होगा कि मेरा अकाउंट शैडो बैन हो चुका है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये चीज आपके सामने एकदम प्रैक्टिकली है। ओके गाइस, मेरी तरफ से मैंने सारे सॉल्यूशंस आपको बता दिए। अगर फिर भी आपकी तरफ से कोई सॉल्यूशन है या फिर आपको लगता है कि हाँ ये चीज भी इंक्लूड होनी चाहिए जिसकी वजह से अपना अकाउंट शैडो बैन रिमूव हो सकता है, तो वो चीज आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। एंड एक चीज और कमेंट करके बताना कि आप जो है शैडो बैन जैसी चीज को मानते हो या फिर नहीं मानते हो, जो कि इंस्टाग्राम खुद इस चीज को नहीं मानता है। ओके गाइस, उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपका कोई सवाल था सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से रिलेटेड, इंस्टाग्राम से, फेसबुक से या फिर यूट्यूब से रिलेटेड, देन आप हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में। गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।